नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, बर्धमान में महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर भर्ती निकली है। साइट आपके सामने है दोस्तों, बर्धमान मेडिकल कॉलेज की, और इसके राइट साइड में हम चलते हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया है। यह है दोस्तों 19/5/2020 का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, चेक कर लेते हैं डाउनलोड करके इसको। तो दोस्तों ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। ये जो भर्ती है दोस्तों, पोस्ट का नाम है जूनियर रेजिडेंट, नॉन पीजी की पोस्ट है एमबीबीएस के लिए, और प्योरली एडोब बेसिस की ये पोस्ट है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, COVID-19 के चलते जो है ये एडजस्टमेंट की गई है। तो आइए चेक कर लेते हैं पूरी डिटेल। जो पोस्ट है दोस्तों 89 दिन के लिए, यह है 89 डेज के लिए, लेकिन एक्सटेंड किया जा सकता है इसको 31/12/2020 तक, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है एडजस्ट किया जाएगा। सैलरी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, सैलरी 56,100 रुपये प्लस में एनपीए प्लस जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो टाइम टू टाइम जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन का, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इंटरव्यू होगा डायरेक्ट, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, क्योंकि COVID-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा पूरी तरह से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही ये जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लियर मेंशन है, एमबीबीएस डिग्री जिन्होंने की है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और साथ में आपका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है दिल्ली मेडिकल काउंसिल से, यानी कि डीएमसी से। डिग्री के बारे में उन्होंने बताया है दोस्तों क्लियर, ये भी आप चेक कर लेना अच्छी तरह से। कैंडिडेट मस्ट हैव कम्प्लीटेड देयर इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर 1/7/2016 से रिलेटेड है ये दोस्तों, कि आपकी इंटर्नशिप जो है इन्होंने कंडीशन बताई है कि इस डेट तक या उसके बाद ही होनी चाहिए आपकी इंटर्नशिप, ये भी आपने इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। और उसके बाद है टोटल वैकेंसी जो है वो है 282 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और वैकेंसीज दोस्तों रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज भी की जा सकती हैं और डिक्रीज भी की जा सकती हैं। एप्लीकेशन आपने जो है मेल के द्वारा भेजनी है, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑन ईमेल, इस ईमेल पे आपने भेजनी है, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं एप्लीकेशन को। 25 मई से लेकर 31 मई तक आप जो है एप्लीकेशन वहाँ पे भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपने सारे सेल्फ अटेस्टेड वगैरह, उसको अच्छी तरह से सेल्फ टेस्ट के साथ अटैच करके भेजने हैं दोस्तों, फोटो वगैरह पेस्ट करके, तो सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे उन्होंने बताया है। इसके अकॉर्डिंग आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। साथ ही साथ दोस्तों वेबसाइट पे जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो आपने टाइम टू टाइम वेबसाइट को भी चेक करते रहना है दोस्तों। तो ये है दोस्तों लेटेस्ट अपडेट सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो इस रिक्रूटमेंट के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि फ़िलहाल पूरे देश को आपको पता है कि दोस्तों मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।